हेलो एवरीवन, दिस इज शिल्पी और आप देख रहे हैं द इट्स रुसी मॉम। आज के इस डीआईवाई वीडियो में हम बनाने वाले हैं अपने क्यूट से गन्नू भैया, वो भी हम पत्थरों को यूज करके। तो इसको बनाने के लिए मैंने लिए दो पत्थर, एक थोड़े से बड़े और एक थोड़े से छोटे, क्योंकि जो बड़ा वाला है उससे मैं गन्नू भैया का बॉडी बनाऊंगी और जो छोटा वाला है उससे गन्नू भैया का हेड पोर्शन बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने लिया एल्युमिनियम फॉयल और एल्युमिनियम फॉयल की मदद से मैंने गन्नू भैया के सूर, दो पैर, दो कान वगैरह सब बना लिए। देन मैंने लिए इस तरह के, जब आप एल्युमिनियम फॉयल से बना लेते हो ना तो आपको स्ट्रक्चर्स बनाना ज्यादा आसान होता है, रेदर देन कि आप डायरेक्ट सिर्फ मोल्डेड क्ले या फिर कोई भी एयर ड्राई क्ले से बना रहे हो। तो ये सब बन जाने के बाद मैंने लिए मोल्डेड क्ले। इसको बनाने के लिए मुझे एक पैकेट मोल्डेड क्ले लगा है, तो ज्यादा खर्चा भी नहीं है, पर प्रोडक्ट मतलब गन्नू भैया काफी क्यूट बन गए हैं और मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने हमने जो एल्युमिनियम फॉइल से स्ट्रक्चर बनाए थे उन सबको मैंने मोल्डेड क्ले से कवर किया, और फिर सबसे पहले मैंने गन्नू भैया के लेग्स को अटैच किया बॉडी के साथ, बॉडी मीन्स जो बड़ा वाला पत्थर है उसके साथ, ये देखिए इस तरह से। फिर मैंने गन्नू भैया के फिट पोर्शन भी बनाया और उसे भी पैर के साथ अटैच कर दिया। एक्चुअली हमारे जो गन्नू भैया है ना वो पैर फोल्ड करके बैठे हुए हैं, और फिर अब मैंने मोल्डेड क्ले की मदद से ही जो छोटा वाला पत्थर लिया था उसको मैंने बड़े वाले पत्थर के ऊपर फिक्स कर दिया। अब थोड़े से डिटेलिंग वर्क, जैसे कि गन्नू भैया के धोती पे जो मार्किंग है वो मैं कर रही हूँ। तो इस तरह से इसके बाद मैंने बनाए गन्नू भैया के सूंड, जो हमने मोल्डेड एल्युमिनियम फॉइल से बनाए थे उनको हमने मोल्डेड क्ले से कवर किया और उसे फिक्स कर दिया। फिर मैंने दोनों कानों को भी फिक्स कर दिया। तो हमारा ऑलमोस्ट काम हो गया है गन्नू भैया को बनाने का। अब बनाऊंगी गन्नू भैया के दो टस्क। देखिए इस तरह से मैंने दोनों साइड में, एक साइड में पूरा टस्क और एक साइड में आधा टस्क लगा दिया। अब गन्नू भैया के दोनों हाथ भी मैंने लगा दिए, और ये देखिए, और दोनों हाथ, एक हाथ पे लड्डू और दूसरे हाथ से हम सबको आशीर्वाद देते हुए हमारे गन्नू भैया। फिर मैंने हमारे गन्नू भैया को 3-4 घंटे के लिए सूखने के लिए रख दिया, क्योंकि यहाँ रेनी सीजन चल रहा है तो सूखने में थोड़ा सा मुझे टाइम लगा, तो मैंने 3-4 घंटे छोड़ दिया था। फिर मैंने पेंट किया, मैंने गन्नू भैया को ऑरेंज कलर में पेंट किया है, जो गन्नू भैया का बॉडी है उसे मैंने ऑरेंज कलर में पेंट किया है। और जो धोती पोर्शन है उसको मैंने ग्रीन कलर में पेंट किया है। पहले मैंने सोचा रेड कलर में करूंगी, पर ऑरेंज और रेड ऑलमोस्ट सेम हो जा रहे थे, इसलिए मैंने थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट करने के लिए ग्रीन कलर का धोती बनाया। फिर मैंने लड्डू को पेंट किया, देखिए कितना चमक रहा है ना लड्डू। और जब तक हमारे गन्नू भैया के पेंट्स सूख रहे हैं, मैंने बोला ना कि यहाँ पे बारिश हो रही है इसलिए हर चीज सूखने में थोड़ा टाइम लग रहा है, तब तक आपको तो बताया नहीं, मैंने एक छोटू सा गन्नू भैया का मूसक भी बनाया है। और जब तक हमारे गन्नू भैया के पेंट सूख रहे हैं, हम इस छोटे से मूसक को, मूसिका या मूसक, इनको हम पेंट कर लेते हैं। अब हम गन्नू भैया का पेंट सूख गया तो बाकी सारे डिटेलिंग वर्क करते हैं, जैसे कि गन्नू भैया के आईज, फिर बाकी सारे जो भी हमारे डिटेलिंग रहते हैं उन सबको अब मैं एक एक करके करूंगी। और जब तक मैं मेरे गन्नू भैया को पेंट करती हूँ, तो आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सच्ची बताना, लग रहे हैं ना एकदम क्यूट से गन्नू भैया, और ऐसे मतलब अभी बनने के बाद ऐसा देख के लग भी नहीं रहा है कि इसे हमने पत्थर से बनाया है, इस गन्नू भैया को हमने पत्थर से बनाया है। एक्चुअली मैं कब से वेट कर रही थी कि मैं कब गन्नू भैया को ट्राई करूं पत्थर से बनाने का, और आखिर में
अब फेस्टिव सीजन आ गया है, तो मैं बहुत सारे गन्नू भैया बनाने वाली हूँ। तो मैंने आज अपने गन्नू भैया को बनाने का शुरुआत किया इस वाले गन्नू भैया से। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरे ये क्यूट से गन्नू भैया? मुझे तो बहुत अच्छा लगा और बना के भी बहुत अच्छा लगा, एंड जो रिजल्ट है उससे भी मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। तो इसी तरह के बहुत सारे फेस्टिव डीआईवाईज आने वाले हैं चैनल पे, तो ऐसे ही कुछ नए नए डीआईवाईज लेकर फिर मिलती हूँ आप सबके साथ। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए, हैप्पी क्राफ्टिंग।